राधे राधे, कैसी कट रही है? चक है ही नहीं है। देखिए साहब, बात दास जिए, रामपुर के अंदर हम लोग आए हुए हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अपना क्या बोलते हैं, पूरा परिवार हमारे जो बहुत ख़ास हैं, आजम खान साहब उनका, और यहाँ से रामपुर से जो लड़ रहे हैं उनके रिश्तेदार ही हैं, वो भी रही ज़्यादा ही ज़्यादा, क्या नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, कोई बात ना है, वो उनके रिश्तेदार ही हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा तो मिर्ची लग रही है, वो मिर्ची लग रही है हमारे सिपाह को, क्योंकि उनका नाम कहीं नहीं है, उन्हें लेके कहीं नहीं आए। यार देखो, कोई बात होती है, हम उनको लेके के पहुँचे, उनके घर पे पहुँचे कि भाई डिम्पी है, मैनपुरी से खड़ी हुई है उपचुनाव के लिए, जिए वो है फलाना ढिमाका, बंदे ने बात कहने से इनकार कर दिया हमें। चलो एक हद तक तो हमने मानी, चाचा हैं। अब चाचा जब ज़्यादा ही हो बने तो आप हम भी भतीजे हैं, आपको पता ही है, फिर टोंटियाँ हम अपने पास रखते ही हैं। ज़्यादा तो हम कुछ बोलते ना हैं, हमारी तो टोंटियाँ ही बोलती हैं, एक तरफ से खोलते हैं एक तरफ से धोते हैं, समझ में आ गई ना आप? हमने ज़्यादा उन पर पैसे नहीं डाला, हमने करना कहो नहीं करना भाग्य बत्ती में जाओ, हमने सीधी सीधी बात कही है कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं है हमारा समर्थन उसको नहीं है, हमारा तो घंटा भी उसके साथ नहीं है, समझ में आ गई? तो ये बात हमने कन्वे कर दी। तो आज यहाँ पर पूरी सब लोग आ गए हैं, और काफ़ी दिनों बाद, मैं कहता था 4-5 साल से ज़्यादा है गए इनके, हमारे जो आजम खान साहब हैं इनके परिवार से कोई था नहीं, तो हमने कहा चलो रामपुर से तुम ही लड़ो, उनके रिश्तेदार जो हैं उनको हमने रजा रईसा जो भी उनको हमने यहाँ पे बना दिया। तो मुद्दे की बात ये है कि ये एक तरफ से डिंपल, एक तरफ से वो, दो तरफ से हम लोग स्पष्ट रूप से सारा काम कर रहे हैं, और एट द वेरी सेम टाइम हमें कौन से कछु मतलब ना है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने आप को दोबारा से स्थापित करना है। बाबा ने तो हमारी में तो बड़ा डंडा दे रखा है, बाबा जो है हमारे योगी बाबा, उनका चुनाव चिन्ह डंडा तो है नहीं, फिर भी उन्होंने दे रखा है, ऐसी जगह देखा वो बता भी नहीं सकते हैं। पकड़ जो ना, अबे क्या एम्बुलेंस आ गई, देखो जा किसको कौन लपेट में आ गया है, हाँ देखो जा। पर यही है कि देखिए बात दास ये है कि अगर वो हमारे हमें कमल देते ना तो हमें ज़्यादा अच्छे लगते उनका चुनाव चिन्ह। हमारे नेताजी ने तो हमें साइकिल दी थी, हम बैठे भी थे ठीक ठाक, साइकिल दी थी बढ़िया एकदम टंच। पर देखिए जब जिसको जो जो काम नहीं आता वो कहता, तो उसके बाद उसकी चैन भी उतर गई, साइकिल के टायर भी पंचर है गए, डंडे भी यूँ सीधे है गए, सीधी साइकिल दी थी रेंजर बना दी उसकी, यूँ के चलना पड़ा उसको। पर क्या कहें, जिनका काम ही झुकना है तो फिर वो झुक ही जाएंगे ना सामने वाले, फिर डंडा देंगे और ऐसी जगह देंगे कि तुम्हारे मोह बना देंगे। पर कोई बात ना है, हमें उसकी भी डरना है, देखिए हमें तो सीधी सी बात जी है, अपनी डाली अपनी डिंपल को उठाना है, उसको वहाँ पे मैनपुरी के अंदर अपने जो डैड हैं थे चचा नेताजी, उनकी सीट पर उन्हें विराजमान करना है, रामपुर से अपना आजम खान की जो हमारी डील हुई है, आजम खान का जो बंदा है उसको वहाँ पे सेट करना है, उसके अलावा अपने आप को विपक्ष में इतनी अच्छी तरीके से सेट करना है कि भाई साहब कहीं से भी कोई भी बंदा हो उसको सिर्फ एक ही नाम सुझाई दे, अखिलेश यादव, यादवों का छोआ मुंडा, बिरोन कलर का कौन सा गाना है ना, बड़ पाया प्यार गाना है, मुंडे ब्राउन कलर दे, हम तो वैसे ही ब्राउन कलर के पैदा हुए। चलिए, आपको हमने पूरी सूत दे दी है, पूरी आपको सूरत हाल बता दी है, और इसके अंदर हम आपको सिर्फ ये बात बोलेंगे कि आप हमारे ऊपर अपना विश्वास करना मत छोड़िए। जब आप वो कहते हैं ना कैसे कैसे को किया है, कैसे कैसे विश्वास किया है, हम पे भी विश्वास तो कर ले हैं, दिल्ली में खांसी वाला है उस पर आपने विश्वास कर लिए, उस पर कहे जा रहे हो लांछन लग रहे हैं उसके, रोज खुलासे हो रहे हैं घोटाले खुल रहे हैं, तब भी विश्वास किया ना दिल्ली वाले ने, कितने दिल से मानते हैं दिल्ली वाले, तो यूपी वालों तुम्हारी बारी है, हमारे को भी मानो, हम भी तुम्हारे सीएम रह चुके हैं, ऐसे सीएम हैं,
हमारी बात मानो और कह दो एक भाई फिर से आधे आधे हमारे बिगड़े काम मना दे, हमारे दुश्मनों को आधा करा दे, आधे आधे। जय शिव शंकर, जय किशन जी की, जय राम जी, नहीं राम जी नहीं बोलूँगा, हाँ जय हनुमान जी की।